भारत ने 10 साल के लिए ईरान का चाबहार पोर्ट ऑपरेट करने के लिए तेहरान के साथ डील की है, लेकिन अमेरिका को भारत की इस डील से आपत्ति है। अमेरिका ने बाकायदा इस डील को लेकर भारत को वार्निंग दे दी है। अमेरिका ने कहा कि जो भी ईरान के साथ कारोबार करने पर विचार कर रहा है, उसे हमारी ओर से संभावित प्रतिबंधों के जोखिमों से वाकिफ रहने की जरूरत है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रधान उपप्रवक्ता वेदांत पटेल ने ये बात कही है। US government is facilitating the safe departure. उनसे चाबहार पोर्ट को लेकर भारत और ईरान के एग्रीमेंट को लेकर सवाल किया गया था। पटेल ने कहा कि हम इन खबरों से वाकिफ हैं कि ईरान और भारत ने चाबहार पोर्ट को लेकर एक डील की है। भारत सरकार की अपनी विदेश नीति है। ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर की गई डील और ईरान के साथ उनके द्विपक्षीय संबंधों को वो बेहतर तरीके से समझता है। लेकिन जहां तक अमेरिका की बात है, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध जारी रहेंगे। कोई भी अगर ईरान के साथ बिजनेस डील करने पर विचार कर रहा है, तो उन्हें इसके संभावित जोखिम पता होने चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि उन पर भी प्रतिबंध लग सकते हैं। चाबहार में दो पोर्ट हैं, पहला शाहिद कलंत्री और दूसरा शाहिद बहिश्ती। शिपिंग मिनिस्ट्री की इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल शाहिद बहिश्ती का काम संभालती है। भारत वैसे तो पहले से ही इस पोर्ट का कामकाज संभाल रहा था, लेकिन ये शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट था। समय समय पर इसे रिन्यू करना पड़ता था, लेकिन अब 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो गया है। इस डील के तहत इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार बंदरगाह में लगभग 12 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा। भारत चाबहार पोर्ट का एक हिस्सा डेवलप कर रहा है, ताकि ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों तक सामान पहुंचाया जा सके। नई डील से पाकिस्तान के कराची और ग्वादर पोर्ट को बाईपास किया जा सकेगा। ईरान के जरिए दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच कारोबारी रास्ता खुलेगा। Let me begin by expressing my pleasure.